हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आपका भाई जई पेंटर वादी सोन से। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ आपको विजिट करवा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि आप टैलो वाले छते के ऊपर कौन सी फिलिंग करवाएं और कौन सी अच्छी है और कौन सी गलत है। पेरिस वाली वाल फुटी या चाक मिट्टी वाली वाल फुटी मत बना के लगाएं, वो काम अच्छा नहीं है। ये एक्रेलिक वाल पुट्टी हमने बनाई है, वाइट सीमेंट और एक्रेलिक और फेविकोल डाल के हमने इसको तैयार किया है। देखिए आपके सामने हमने छत को तैयार किया है। बाहर अंडरकोट प्राइमर हमने लगाया हुआ है। पूरे घर का सामान बिखरा पड़ा है, खाली घर है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लुक में ये घर तैयार हुआ। और मेन गेट और पिलर भी हमने इसके तैयार करने हैं, वो भी आपको एंड में दिखाते हैं। तो पेंट का जो है सिलसिला वो शुरू कर लिया हमने, तो पेंट करके भी आपको दिखाते हैं। तो इस छत पे हमने जो है 3084 नंबर जो है एल पेंट नंबर, इसको हम लगाएंगे ब्राइटो में। तो बाहर का काम भी शुरू हुआ है, दोस्त हमारे लगे हुए हैं। तो इस्लाम भाई, ये मलिक साजिद साहब, इनके घर में हम काम कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बड़ी इज़्ज़त से हमें इन्होंने नवाजा, खुश करके भेजा मज़दूरों को। और माशाल्लाह बहुत अच्छी लुक में ये हमारा दोस्त का घर जो बिल्कुल तैयार हो गया। और बरामदे का छत भी हमने क्लियर कर लिया है। तो आज दूसरा दिन है, सुबह सुबह हम फिर आ गए। अभी हमने यूनिफॉर्म बदली करना है, तो हमने कहा चले आपके साथ विज़िट करवा लें। कल इसको हमने वाल फुटी में तैयार कर लिया था, अभी हमने डिस्टेंपर लगा के इसको हमने पेंट में तैयार कर लिया। यही 3084 नंबर जो है आयल पेंट का हमने इस्तेमाल किया, और दरवाज़ों पे भी यही करेंगे और मेन गेट भी इसी पेंट के साथ तैयार करेंगे। पिलर को जो है हम गोल्ड और ब्लू कलर में, ये जो गेट है आपको एंड में आपको दिखाते हैं कि इसको भी हमने कैसे तैयार किया। बहुत शुक्रिया आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहे। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जी इस्लाम भाई और हमारा छोटा भाई काम पे मसरूफ है माशाल्लाह। इस्लाम साहेब कैसे हो भाई? चले ठीक है, अपना अपना काम करें। दोस्तों मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। घर का सामान काफ़ी बिखरा पड़ा है, तो आपका बहुत शुक्रिया। आप अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कर सकते हैं अपने भाई के साथ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं आगे आपको चल के गेट का विज़िट करवाता हूँ। तो ये गेट पे भी हमने वही आयल पेंट इस्तेमाल किया, 3084 3084। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर है। ब्राइटो में गेट को हमने अच्छे तरीके से रेगमाल करके अस्तर लगा के हमने इसके ऊपर पेंट का काम किया, और गोल्डन सिल्वर में इसको एंटीक कर रहे हैं। तो पिलर भी आपको दिखाते हैं, ये देखिए बहुत अच्छी लुक में ये तैयार हुआ है। तो दूसरी तरफ एक दुकान को हमने काम किया, वो भी हमने सोचा कि इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाए। तो ये दुकान है, शॉप है, स्टूडियो, इसके ऊपर भी हमने शाम के टाइम ओवर टाइम लगाया, इसको थोड़ा थोड़ा हम काम करते रहे हैं। तो ये भी आज मुकम्मल होगी। अब मैं फारिग हूँ, मुँह हाथ मैंने भी धोना है। तो बहुत शुक्रिया आपका। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। तो बहुत शुक्रिया। तो इस दुकान को हमने सीलिंग वाला छत है, तो दूसरी तरफ हमारा पिलर और जो गेट है मेन एंटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। बाहर भी हमने वेदर शीट और ऊपर ब्लू कलर की हमने शेड दिया है। ब्लू कलर मालकान हजरात को बहुत पसंद आया, बहुत अप्रिशिएट किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पहले मैंने पिलर बनाने का मुकम्मल तरीका इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है। तो ये वीडियो जो है सिर्फ आपके विज़िट करवाने का मकसद था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।